नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दुष्यंत चौटाला के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पूरे परिवार के साथ सिरसा पहुंचे अजय सिंह चौटाला का जजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं अजय चौटाला ने कहा कि जो 14 वर्ष का वनवास था वो अब खत्म हो चुका है। इससे कार्यकर्ताओं का सहयोग और दुष्यंत की मेहनत रंग लाई है, यह अब सबके लिए शुभ होगा। वहीं हुड्डा पर पलटवार करते हुए अजय सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना तो दूर, उनके तो हम पास में खड़े भी नहीं हो सकते। अजय चौटाला ने कहा कि दुष्यंत ने अब काम करना, प्रदेश का विकास करना है और जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सींचना का काम किया है उनके चेहरे पर लाली लाने का काम भी किया जाएगा। वहीं अजय चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वोट किसी को और स्पोर्ट किसी का पलटवार करते हुए अजय चौटाला ने कहा कि जो परिस्थितियाँ थी वो कांग्रेस के तो हम विरोध में पैदा हुए हैं, उनके साथ तो हम खड़े भी नहीं हो सकते, हाथ मिलाना तो दूर की बात है। अजय चौटाला ने कहा कि भाजपा के साथ तो हम सदा से सहयोगी रहे हैं। साथ में छोटे भाई अभय सिंह चौटाला से मुलाकात करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं अभी छोटे भाई अभय सिंह चौटाला से तेजाखेड़ा में जाकर मिलाया हूँ। पल पल सिरसा से अमर सिंह जाणी की विशेष रिपोर्ट। इन कार्यकर्ताओं की रहना, दुष्यंत का प्रयास की रहना अभिभूत हो रहा है। दुष्यंत का प्रयास का पवन अभिभूत हो रहा है। खुशियां आई का पवन आई है, उनके चेहरों में लाल दिया है। खुशियां आई है, उनके चेहरों में लाल भी आएगी। बीजेपी के साथ सरकार पूरे टाइम तक चलेगी, निश्चित रहो। सरकार आगे पूरे टाइम तक चलेगी, निश्चित रहो। सरकार आगे भी उनके साथ अपने सहयोग से काम करना, हमें भी उनके साथ अपने सहयोग से सबसे पहले उसका लाभ आपको देंगे। आप देखेंगे सबसे पहले उसका लाभ आपको देंगे। कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं, जिस कांग्रेस के खिलाफ हम सौदा लग रहे हैं, सारी उम्र लड़ाई लड़ी, जिस कांग्रेस के खिलाफ हम सौदा पास भी नहीं खड़े, सारी उम्र लड़ाई लड़ी, उनकी बात उनके पास भी नहीं खड़े हो सकते। कार्यकर्ताओं की मेहनत, दुष्यंत का प्रयास आज फलीभूत हो रहा है। दीपावली का पवन पर्व था, दोरी दोरी खुशियाँ इनके आई है, इनके चेहरों पर लाली भी आएगी निश्चित तौर पर। बीजेपी के साथ गठबंधन हुए हैं, उनके सीएम अपने बेटे बने, क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है सरकार से लेके, किस तरह से गठबंधन कर रहे हैं? सरकार पूरे टाइम तक चलेगी, निश्चित रहो, और सरकार आगे भी बढ़ेगी। जजपा ने जो घोषणा की थी किस तरह लागू करेंगे, उन्हें भी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग से लागू करने का काम करें। आप देखेंगे सबसे पहले उसकी इतला आपको देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि जजपा ने जो जनादेश मिला है उसका अपमान किया है। क्या अपमान किया है? कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं तब तो उसे अच्छा लगता। जिस कांग्रेस के खिलाफ हम पैदा हुए हैं, सारी उम्र लड़ाई लड़ी है, उनके तो पास भी नहीं खड़े हो सकते, हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात है। आज अपने छोटे भाई अभय सिंह चौटाला से भी आप मिले? बिल्कुल, मैं सुबह पहले तेजाखेड़ा फार्म पे गया। कार्यकर्ताओं की मेहनत, दुष्यंत का प्रयास आज फलीभूत हो रहा है। दीपावली का पवन पर्व था, दोरी दोरी खुशियाँ इनके आई है, इनके चेहरों पर लाली भी आएगी निश्चित तौर पर। बीजेपी के साथ गठबंधन हुए हैं, उनके सीएम अपने बेटे बने, क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है सरकार से लेके, किस तरह से गठबंधन कर रहे हैं? सरकार पूरे टाइम तक चलेगी, निश्चित रहो, और सरकार आगे भी बढ़ेगी। जजपा ने जो घोषणाएं की थी किस तरह लागू करेंगे, उन्हें भी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग से लागू करने का काम करें। आप देखेंगे सबसे पहले उसकी इतला आपको देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि जजपा ने जो जनादेश मिला है उसका अपमान किया है। क्या अपमान किया है? कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं तब तो उसे अच्छा लगता। जिस कांग्रेस के खिलाफ हम पैदा हुए हैं, सारी उम्र लड़ाई लड़ी है, उनके तो पास भी नहीं खड़े हो सकते, हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात है।
आज आज अपने छोटे भाई अभय सिंह चौटाला से भी आप मिले? बिल्कुल, पहले तो जा केड़ा फार्म पे जा, ये करता हूँ कि मेहनत दुष्यंत का प्रयास आज फलीभूत हो रहा है। दीपावली का पावन पर्व था, दोरी दोरी खुशियाँ इनके आई है, इनके चेहरों पर लाली भी आएगी निश्चित तौर पर। बीजेपी के साथ गठबंधन हुए हैं, उनके सीएम आपके बेटे बने, क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है सरकार से लेके, किस तरह से गठबंधन सरकार पूरे टाइम तक चलेगी निश्चित रहो, और सरकार आगे भी बनेगी। जसपा ने जो घोषणाएं की थी किस तरह लागू करेंगे, उन्हें भी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग से लागू करने का काम करें, आप देखेंगे सबसे पहले उसकी इतला आपको ही देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि जसपा ने जो जनादेश मिला है उसका अपमान किया है। क्या अपमान किया है, कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं तब तो उसे अच्छा लगता, जिस कांग्रेस के खिलाफ हम पैदा हुए हैं, सारी उम्र लड़ाई लड़ी है, उनके तो पास भी नहीं खड़े हो सकते, हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात है। आज अपने छोटे भाई अभय सिंह चौटाला से भी आप मिले? बिल्कुल, मैं सुबह पहले तो जा केड़ा फार्म पे गया, कार्य करता हूँ कि मेहनत दुष्यंत का प्रयास आज फलीभूत हो रहा है। दीपावली का पावन पर्व था, दोरी दोरी खुशियाँ इनके आई है, इनके चेहरों पर लाली भी आएगी निश्चित तौर पर। बीजेपी के साथ गठबंधन हुए हैं, उनके सीएम आपके बेटे बने, क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है सरकार से लेके, किस तरह से गठबंधन सरकार पूरे टाइम तक चलेगी निश्चित रहो, और सरकार आगे भी बढ़ेगी। जसपा ने जो घोषणाएं की थी किस तरह लागू करेंगे, उन्हें भी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग से लागू करने का काम करें, आप देखेंगे सबसे पहले उसकी इतला आपको ही देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि जसपा ने जो जनादेश मिला है उसका अपमान किया है। क्या अपमान किया है, कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं तब तो उसे अच्छा लगता, जिस कांग्रेस के खिलाफ हम पैदा हुए हैं, सारी उम्र लड़ाई लड़ी है, उनके तो पास भी नहीं खड़े हो सकते, हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात है। आज अपने छोटे भाई अभय सिंह चौटाला से भी आप मिले? बिल्कुल, मैं सुबह पहले तो जा केड़ा फार्म पे गया, कार्य करता हूँ कि मेहनत दुष्यंत का प्रयास आज फलीभूत हो रहा है। दीपावली का पावन पर्व था, दोरी दोरी खुशियाँ इनके आई है, इनके चेहरों पर लाली भी आएगी निश्चित तौर पर। बीजेपी के साथ गठबंधन हुए हैं, उनके सीएम आपके बेटे बने, क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है सरकार से लेके, किस तरह से गठबंधन सरकार पूरे टाइम तक चलेगी निश्चित रहो, और सरकार आगे भी बढ़ेगी। जसपा ने जो घोषणाएं की थी किस तरह लागू करेंगे, उन्हें भी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग से लागू करने का काम करें, आप देखेंगे सबसे पहले उसकी इतला आपको ही देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि जसपा ने जो जनादेश मिला है उसका अपमान किया है। क्या अपमान किया है, कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं तब तो उसे अच्छा लगता, जिस कांग्रेस के खिलाफ हम पैदा हुए हैं, सारी उम्र लड़ाई लड़ी है, उनके तो पास भी नहीं खड़े हो सकते, हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात है। आज अपने छोटे भाई अभय सिंह चौटाला से भी आप मिले? बिल्कुल, मैं सुबह पहले तो जा केड़ा फार्म पे गया,